पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर के काला आम चौराहे के निकट जलान पेट्रोल पंप पर डीएम ने छापा मारा। डीएम ने पेट्रोल पंप पर अनियमितताओं के आधार पर पेट्रोल पंप सील करवा दिया। डीएम ने अपने सामने पंप से पेट्रोल के 6 नमूने भी भर पाए। डीएम अवैध सिंह ने बताया कि कैकोफिल मशीन में सील नहीं थी, मशीन में भी गड़बड़ी पाई गई। पंप पर पेट्रोल का स्टॉक भी चेक किया गया। इसके अलावा डीएम ने घटोतली की पड़ताल भी की। वहीं जैसे ही डीएम के छापे की जानकारी फैली, मापतोल और सप्लाई विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। डीएम ने मापतोल अधिकारी को भी खूब फटकार लगाई। इतना ही नहीं, गुस्साए डीएम ने मापतोल अधिकारी के सस्पेंस की संतुष्टि भी शासन को दी। डीएम ने करीब 45 मिनट तक पेट्रोल पंप पर पड़ताल की, साथ ही पेट्रोल पंप के स्वामी को भी चेतावनी दी। इस दौरान डीएम ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल के 6 नमूने भी भरवाए और जांच के लिए लैब भेजवा दिए। डीएम की कार्रवाई से पेट्रोल पंप स्वामी में हड़कंप मच गया। शिकायतें पेट्रोल पंप के लोग मुझे फोन पे बाकी सब पे कर रहे थे। कई पेट्रोल पंप्स की शिकायतें थी विभाग द्वारा इसमें कि इनका ठीक से नहीं दिया जा रहा, क्वालिटी खराब है, इसकी बहुत शिकायतें लोगों की जन समस्या प्राप्त हो रही थी। उसको देखते हुए मेरे द्वारा यहाँ पर आज मेन चौराहे पे जो हमारा कालेआम चौराहा है उसके पास का जो सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है उसमें छापा मारा गया, देखा गया, उसमें कमियां कुछ कुछ पाई गई। उस पर एक टेक्निकल जांच बैठा रहे हैं और उसको चेक कराने के उपरांत ही उस पर कार्रवाई कराई गई। गटोली की शिकायत, पहली बात तो कैलिब्रेशन इक्विपमेंट जिसमें नापा जा रहा है उसी की अभी सत्यता संदिग्ध है। इसके अलावा उसको उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा इसकी मशीनों की जाँच टेक्निकल टीम से जो कंपनी के लोग हैं निर्धारित प्रतिनिधि होंगे, नामित प्रतिनिधि की समक्ष जांच कराएंगे और जांच कराने के उपरांत इस पर कुछ कार्रवाई। पेट्रोल पंप तो सील किया जा रहा है। हाँ, उसको तब तक उस पर कार्रवाई रोकी जाए।